लिपिड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और लिपिड का जो फैटी एसिड था वो मैंने बता दिया था आपको, है ना, कि फैटी एसिड सैचुरेटेड भी होता है, अनसैचुरेटेड भी होता है। अरे बता तो दिया, फैटी एसिड कितने कार्बन के हो सकते हैं, मतलब फैटी एसिड्स में इवन नंबर होता है, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, नॉर्मल सिस्टम क्या होता है, कोई जो नाम बताया गया आपको उसमें कितने कार्बन है, 16 है, 18 है, मैक्सिमम 20 आप जानते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें अल्कोहल के बारे में देखो, इसमें अल्कोहल देखो तीन तरह का यूज होता है। देखिए इसमें सिंपल अल्कोहल होता है, ये तो आप जानते हैं कि CH3 CH2 होल X कोई नंबर है, यहाँ पे आप अल्कोहल लगा दीजिए, ये सिंपल अल्कोहल है। यहाँ पे देखो ग्लिसरॉल होता है, ये इस तरह का अल्कोहल होता है, देखो CCC सब में एक ऑयल लगा दीजिए यहाँ पे ऐसे 1, 2, 3, देखो ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, ये है ना, मतलब से तीन अल्कोहल लगा हुआ है, ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं इसको, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसका नाम, ट्राइहाइड्रोक्सी, तीन अल्कोहल लगा हुआ है तो ट्राइहाइड्रोक्सी हो गया और ये प्रोपेन है ना, वैसे भी अल्कोहल होते हैं। और देखो कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल भी होता है, जैसे स्फिंगोसिन वगैरह कहते हैं, स्फिंगोसिन, ये इस अल्कोहल में नाइट्रोजन लगा होता है, कॉम्प्लेक्स अल्कोहल होता है ना, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स अल्कोहल कहा जाता है इसको, स्फिंगोसिन भी एक अल्कोहल का टाइप ही होता है, स्ट्रक्चर जाने की जरूरत नहीं है बट ये नाम याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में ग्लिसरॉल के बारे में लिखा हुआ है। तो मैंने कहा था कि लिपिड के दो कंपोनेंट्स हैं, लिपिड के दो कंपोनेंट हैं एसिड एंड अल्कोहल, फैटी एसिड मैंने बता दिया था आपको, और तीन तरह के अल्कोहल लिपिड्स में हो सकते हैं, सिंपल अल्कोहल होता है, ग्लिसरॉल जैसा अल्कोहल होता है जिसको ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं, अब ये ग्लिसरीन ही ग्लिसरॉल है ये जाकर आप केमिस्ट्री वाले सर से पूछिएगा, मैं यहाँ केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, ग्लिसरीन ही ग्लिसरॉल है इतनी आइडिया मुझे नहीं है, नहीं तो मैं केमिस्ट्री में भी पढ़ा रहा होता ना यहाँ पर। ग्लिसरॉल याद रखिएगा, ग्लिसरॉल एक सिंपल ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये हो गया, देखो तीन अल्कोहल हो गए। अब मैंने बताया था कि इन्हीं के मिलने से, एसिड और अल्कोहल के मिलने से ही लिपिड का फॉर्मेशन होता है। अब वो कैसे बनता है देखिए, तो उसके पहले मैं बता दूं आपको कि लिपिड के टाइप क्या क्या होते हैं, लिपिड को कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो ये सबने लिख लिया इसको, ये सबने लिख लिया इसको, तो लिपिड को देखो तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक सिंपल लिपिड होता है,
एक को कॉन्जुगेटेड लिपिड कहते हैं और एक को डिराइव्ड लिपिड कहा जाता है। देखिए ये लिपिड के तीन अलग अलग टाइप्स हैं, सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड लिपिड। जो सिंपल लिपिड होता है, देखो इसमें वैक्स वगैरह आता है, ठीक है, और जैसे बी वैक्स वगैरह जानते हैं आप, ईयर वैक्स भी होता है, बी वैक्स जानते हैं आप, ये एक सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल है। इसमें केवल सिंपली कहते हैं ये एक फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का, ये मतलब एक अल्कोहल होता है, एक फैटी एसिड से बना होता है, ये इसको सिंपल लिपिड कहा जाता है। और सिंपल में ही देखो एक और नाम आता है, देखिए एक तो ये देखो वैक्स हो गया, दूसरा देखो इसमें आता है इसको न्यूट्रल फैट, समझ में आ रहा है, न्यूट्रल फैट जो होते हैं ये सिंपल का ही एग्जांपल है। और इस न्यूट्रल फैट में आपको पता है कि इसमें स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है इसका, देखिए सी ओ एच, सी ओ एच और सी ओ एच, यहां पर अल्कोहल जो होगा वो ग्लिसरॉल होता है, और इस ग्लिसरॉल में आप क्या करो, यहां पर फैटी एसिड जगह लगा दीजिए, प्लस फैटी एसिड लगा दो, तीन फैटी एसिड यहां पे लग जाएगा, देखो तीन फैटी एसिड यहां पे लगा दीजिए आप, साथ में तीन एस्टर बॉन्ड बनेगा यहां पर, देखिए प्लस फैटी एसिड, तो ऑब्वियस बात है इसमें तीन एस्टर लिंकेज बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल भी है फैटी एसिड भी है, तो ये जो न्यूट्रल फैट है इसी को आप ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, याद रखिएगा न्यूट्रल फैट को ही बेसिकली ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है, इसको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, क्योंकि तीन फैटी एसिड लगा हुआ, देखो अगर मान लो दो ही होता तो डाइग्लिसराइड होता, एक होता तो मोनोग्लिसराइड होता, अगर मान लो यहाँ पे अल्कोहल होता और यहाँ पे एक ही फैटी एसिड होता, ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड होता, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मोनोग्लिसराइड, दो हो जाता तो डाइग्लिसराइड हो जाएगा, तीन लगा दिया तो ये ट्राइग्लिसराइड हो जाता है, समझ में आ रहा बच्चों सबको ये चीज, तो न्यूट्रल फैट को ही ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है, क्लियर हुआ यहां पर सबको, तीन फैटी एसिड लगा दीजिए आप तो ये बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड, और इसी को अगर आप डाइजेस्ट करेंगे, अगर डाइजेशन में पढ़ा होगा आपने कि ट्राइग्लिसराइड से अगर इसका लिपिड का डाइजेशन होगा लाइपेज के एक्शन से, तो फैटी एसिड बारी बारी से अलग होता है, तो पहले क्या बनता है बताओ, पहले बनता है डाइग्लिसराइड प्लस वन फैटी एसिड, फिर क्या बनेगा मोनोग्लिसराइड प्लस टू फैटी एसिड, और सब कुछ अलग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ग्लिसरॉल प्लस थ्री फैटी एसिड बन जाएगा। तो जैसे जैसे आप ट्राइग्लिसराइड का सिक्वेंशियल हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, लिपिड के डाइजेशन में पढ़ा है आपने ना कि पहले डाई बनता है फिर मोनो बनता है, और जब जोड़ेंगे तो देखो ग्लिसरॉल में एक लगा दो तो मोनोग्लिसराइड बन जाएगा, ग्लिसरॉल में दो फैटी एसिड लगा दो तो डाइग्लिसराइड बन जाएगा, तीन लगा दिया तो वो ट्राइग्लिसराइड बन गया, ठीक है। और देखो ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये प्लांट में भी मिलता है और एनिमल्स में भी मिलता है, प्लांट का जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये सॉफ्ट, ये ऑयल के फॉर्म में होता है, और एनिमल्स में ये सॉलिड होता है, देखो प्लांट का जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो यूजुअली ऑयल के फॉर्म में होता है, एनिमल्स के जो फैट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसका कारण जानते हैं आप कि एनिमल का जो फैट होता है, एनिमल का जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो हाईली सैचुरेटेड होता है,
और जो प्लांट में ऑयल होता है, प्लांट का जो फैट होता है वो कैसे होता है, वो अनसैचुरेटेड होता है, मतलब डबल बॉन्ड मिलेगा आपको। और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आपके न्यूट्रल फैट में, आपके ट्राइग्लिसराइड में अनसैचुरेशन बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घटता जाता है। देखो ये फैटी एसिड है ना, अगर ये मान लो फैटी एसिड में अनसैचुरेशन ज्यादा है, अगर ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो ऑब्वियसली बात है कि जितना ज्यादा आपके फैट में क्या होगा अनसैचुरेशन, उस फैट का मेल्टिंग पॉइंट घटता जाएगा। ये आप लाइन ये ऐड कर लीजिएगा कि अनसैचुरेशन की वजह से क्या होगा, अनसैचुरेशन की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज करता है। ये आप लाइन ऐड कर लीजिएगा ड्यू टू अनसैचुरेशन, ड्यू टू अनसैचुरेशन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट डिक्रीजेस। ठीक है, और ये भी पता है आपको कि एनिमल फैट वगैरह में जो होता है, देखो इस एनिमल फैट के इंटेक से आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वगैरह का लेवल इंक्रीज करता है। ड्यू टू इंटेक ऑफ एनिमल फैट के इंटेक से हाँ मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, अनसैचुरेशन के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ये तो मैं बोल रहा हूं कि अनसैचुरेशन के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट डिक्रीज करता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखिएगा इसको। और एनिमल फैट के इंटेक से आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज करता है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। देखो एनिमल फैट के इंटेक से हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है जो आपके हार्ट के लिए ठीक नहीं होता। प्लांट ऑयल में गुड कोलेस्ट्रॉल, प्लांट का जो ऑयल होता है, प्लांट से जो ऑयल मिलता है आपको, वो एक गुड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में इनहांस करता है, तो ये आपके हेल्थ के लिए इतना ज्यादा हानिकारक नहीं है। लेकिन जो एनिमल फैट होता है उसकी वजह से हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जो हार्ट के लिए बढ़िया नहीं होता, बिल्कुल बढ़ता है। अगर आप प्योर देसी घी का रोज इंटेक कर रहे हैं ऑब्वियसली बढ़ेगा। तभी तो कहते हैं जिनको मोटापा का प्रॉब्लम हो इन्हें टोन्ड मिल्क दिया जाता है, कि मिल्क लेने का मेन पर्पस क्या होता है, प्रोटीन का इंटेक। तो उसके फैट आप निकाल सकते हैं और उसी फैट से लोग घी बनाते हैं बाद में। तभी तो कहते हैं बफेलो मिल्क वगैरह जो होता है उसमें उसमें फैट का अमाउंट ज्यादा होता है, और ये फैट हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ये कहानी समझ में आ गई सबको, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। प्लांट ऑयल से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, एनिमल फैट से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है आपकी बॉडी में। और कुछ ऑयल जो होते हैं वो इस तरह से बनाया जाता है, जैसे आपको पता है जो वनस्पति होता है, वनस्पति डालडा वगैरह जो जानते हैं आप, ये जो वनस्पति होता है ये बनता है बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ प्लांट ऑयल। कुछ प्लांट के ऐसे ऑयल होते हैं जिनको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, वो खराब हो जाएगा बहुत जल्दी। तो ऐसे प्लांट ऑयल को यूज में लाने के लिए उसका क्या कर दिया गया, हाइड्रोजनेशन। तो डालडा जो होता है ना वो हाईली सैचुरेटेड होता है, आप देखिए वो ठंड में पूरा हार्ड हो जाता, सॉलिड हो जाता है। तो जब आपने सैचुरेशन बढ़ा दिया उसका तो वो तो हार्ड हो जाएगा ना, वो सॉलिड हो जाएगा वो। तो वनस्पति ये तैयार होता है एक आर्टिफिशियल मेथड से, प्लांट के ऑयल को हाइड्रोजनेट कर दिया जाता है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है ना? और आपको पता है
कि इसी ये जो देखो एनिमल फैट वगैरह होता है, इसी एनिमल फैट वगैरह के सपोनिफिकेशन से सोप वगैरह का फॉर्मेशन होता है। जो साबुन वगैरह बनता है ना, उसमें प्लांट का ऑयल भी यूज हो सकता है। आपने सुना होगा कि कुछ एड में बताया जाता है, अरे वनस्पति कौन सा प्लांट है, वनस्पति प्लांट थोड़ी है। बड़ा कंफ्यूज इंसान हो तुम, मैं क्या बोल रहा हूं, अरे वनस्पति प्रोडक्ट होता है, जैसे घी होता है वैसे वनस्पति होता है। वनस्पति एक तरह का प्रोडक्ट है, डालडा उसका एग्जाम्पल है। प्लांट ऑयल को, ऐसे प्लांट ऑयल को जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ऐसे प्लांट ऑयल को हाइड्रोजनेट किया जाता है और वनस्पति बनाया जाता है। डालडा वनस्पति का एग्जाम्पल है, वनस्पति कोई प्लांट नहीं लिखा हुआ मैंने यहां पर। कान खोल के पहले सुना करो क्या बोल रहा हूं। मैंने कभी कहा कि वनस्पति प्लांट होता है, वनस्पति प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट है, डालडा उसका एग्जाम्पल है। ऑब्वियसली बात है अनहेल्दी है वनस्पति, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी है, ये तो बहुत ज्यादा आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जो ये रोड साइड पे जो आप कुछ फ्राइड चीजें खाते हैं, इनमें अक्सर वनस्पति यूज होता है, जो सस्ता होता है। ऑब्वियसली बात है वनस्पति हमारे लिए अनहेल्दी है। और देखो ये भी सुना होगा आपने कि हमारे साबुन में पशु चर्बी नहीं है, ये एड में दिखाया जाता है, रामदेव बाबा का एड में भी आता है ये, इसमें पशु चर्बी नहीं है, ये एड सुना है आपने। ये एड सुना है आपने कि इसमें पशु चर्बी है या नहीं है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि एनिमल फैट जो होता है, एनिमल फैट के सपोनिफिकेशन से भी साबुन बनता है और प्लांट ऑयल के सपोनिफिकेशन से भी साबुन बनता है। तो सपोनिफिकेशन एक आपने पढ़ा होगा, इसको कहते हैं अल्कलाइन मीडियम में आप कहते ना, ये सपोनिफिकेशन प्रोसेस जानते हो तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं। तो सपोनिफिकेशन प्लांट ऑयल का भी होता है, सपोनिफिकेशन एनिमल ऑयल का भी होता है, एनिमल का जो फैट होता है उससे भी होता है। एनिमल फैट को सपोनिफाई करना ज्यादा आसान है, सस्ता होता है, प्लांट ऑयल को सपोनिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, इसलिए कॉस्टली भी होता है। अब जैसे कहते हैं पिग वगैरह जानते हैं, सुअर जो होता है, पिग के बॉडी से बहुत ज्यादा अमाउंट में फैट निकलता है जब उसको स्लॉटर करते हैं, तो पिग के बॉडी में फैट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। अब उसी पिग के मीट को, उस पिग के फैट को सपोनिफाई करके साबुन बना लिया जाता है। ये सब कहानी याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो देखो कॉन्जुगेट में दो नाम मैं डालूं आपको, एक होता है फॉस्फोलिपिड, एक होता है ग्लाइकोलिपिड। देखिए फॉस्फोलिपिड में देखो दो नाम होता है, एक होता है ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड कहते हैं और एक स्फिंगो फॉस्फोलिपिड होता है। जैसे देखिए सी 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 ओ एच ओ एच ओ एच, ये ग्लिसरॉल हमने बना दिया पहले, ये हमने क्या बना दिया, ग्लिसरॉल। अब क्या करो आप इस ग्लिसरॉल के, इससे आप इसमें दो फैटी एसिड लगा दीजिए आप ऐसे, नीचे वाले पार्ट में देखो क्या करना है आपको, यहां पर आपको क्या करना, देखिए ऑक्सीजन तो है ही यहां पर, इसके अलावा देखो यहां पर पी डबल बॉन्ड ओ
OH और OH. एक हमने लगा दिया फॉस्फोरिक एसिड. देखिए क्या लग गया, बताओ. फॉस्फोरिक एसिड लगा दिया हमने. देखो यहाँ पर H2O यहां से एक इसके साथ गेट कर जाएगा ना, वो बाहर आ जाएगा. तो दो फैटी एसिड है, एक फॉस्फोरिक एसिड लग गया यहाँ पर. और क्या करना, देखो इस H को हटा दीजिए यहाँ पर आप ऐसे, और यहां से लगा देखो ऐसे CH2, CH2N, CH3, CH3 और CH3. ये देखिए ये जो कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड को लेसिथीन कहते हैं. और लेसिथीन एग्जांपल है किसका बताओ, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का. अब बच्चे लिखते हैं ब्लड हो रहा है, ब्लड तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हमारी तरफ से प्रॉब्लम है. तो देखो, तो लेसिथीन एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है, जिसमें एक ग्लिसरॉल है, दो फैटी एसिड है. और देखो ये जो कंपाउंड लगा हुआ है, देखो ये जो पूरा कंपाउंड लगा हुआ है, इस कंपाउंड को कोलीन कहते हैं. कोलीन कहा जाता है इसको. तो देखो क्या क्या है इसमें. एक अगर पूछा जाए लेसिथीन में क्या क्या होता है, तो लेसिथीन में ग्लिसरॉल होता है, इसमें दो फैटी एसिड्स होते हैं, प्लस वन फॉस्फोरिक एसिड होता है, प्लस कोलीन लगा होता है. कोलीन इस कंपाउंड को कहता है. और इससे क्या बनेगा बताओ, लेसिथीन बन जाता है. तो लेसिथीन के फॉर्मेशन में क्या क्या आ गया बताओ, एक ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड, एक फॉस्फोरिक एसिड और एक कोलीन लगा दिया हमने. देखो और आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि लेसिथीन सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है. ये सेल मेम्ब्रेन वगैरह में मिलता है, खासकर लंग्स की सेल्स में काफी ज्यादा होता है लेसिथीन वगैरह. और ये काफी इंपॉर्टेंट एक सर्फेक्टेंट की तरह वर्क करता है, सरफेस टेंशन को कम करने के लिए. एज पर एनसीईआरटी इंफॉर्मेशन ये लिखा हुआ है कि लेसिथीन फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है. लेसिथीन फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है और ये सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, खासकर जैसे हमारे लंग्स वगैरह में, एल्वियोलाई वगैरह में लेसिथीन का रोल काफी ज्यादा है, अमाउंट भी ज्यादा होता है वहां पर उसका. ये सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है, इट एक्ट लाइक एज सर्फेक्टेंट. समझ में आ गया बच्चों सबको ये चीज. लेसिथीन एक्ट लाइक एज सर्फेक्टेंट. एल्वियोलाई में इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत जरूरी भी है लंग्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. लेसिथीन वगैरह का आपके लंग्स में रहना बहुत जरूरी है. इसके कम होने से या इसके खत्म हो जाने से लंग्स का फंक्शनिंग बंद हो सकता है, हमारे लंग्स कोलैप्स कर सकते हैं. और देखो तो ये तो हो गया ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड. इस स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में एक नाम यूज करते हैं, स्फिंगोमाइलिन कहा जाता है. स्फिंगोमाइलिन ये आपके नर्वस सिस्टम में मिलता है. स्फिंगोमाइलिन कहते हैं, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. आप जानते हैं माइलिन सीथ वगैरह के बारे में. इसमें स्फिंगोसिन अल्कोहल होता है, ठीक है. तो याद रखिएगा, एग्जाम्पल याद रखना केवल. स्फिंगोफॉस्फोलिपिड भी फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है. इसके एग्जाम्पल में आता है स्फिंगोमाइलिन, जो कि हमारे न्यूरल टिश्यूज में होता है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. बेटा न्यूरल टिश्यूज में लेसिथीन, मैंने क्या कहा, लेसिथीन हमारे सेल मेम्ब्रेन में होता है. क्या न्यूरॉन्स की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन तो हर जगह ही मिलेगा आपको. स्फिंगोमाइलिन आपके न्यूरल टिश्यूज का एक कंपोनेंट है मेनली,
लेसिथीन सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, इतना ही आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लंग्स के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बस इतना याद रखिए। और स्फिंगो फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है स्फिंगो माइलिन, ये हमारे न्यूरल टिश्यूज में होता है। ठीक है बच्चों, तो स्फिंगो माइलिन ये हमारे न्यूरल टिश्यूज का एक पार्ट होता है। अब देखो ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, इसमें एक टर्म यूज किया जाता है सेरेब्रोसाइड। जैसे नाम है देखो गैलेक्टो सेरेब्रोसाइड कहते हैं, और ये भी हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है। ब्रेन के डेवलपमेंट में गैलेक्टो सेरेब्रोसाइट बहुत जरूरी होता है, तभी गैलेक्टोज को ब्रेन सुगर भी कहा जाता है। सुना हो ना, गैलेक्टोज को क्या बोलते हैं? ब्रेन सुगर कहा जाता है। गैलेक्टोज को ब्रेन सुगर क्यों कहते हैं बताओ? क्योंकि गैलेक्टो सेरेब्रोसाइट कार्बोहाइड्रेट जो होता है, देखो लिपिड के साथ लगा हुआ यहां पर गैलेक्टोज होता है इसके अंदर, जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए गैलेक्टोज को ब्रेन सुगर भी कहा जाता है। तो सेरेब्रोसाइट होता है, गैंग्लियोसाइट वगैरह भी होता है, ये सब आपके नर्वस सिस्टम में ही रिक्वायर्ड है। देखो सेरेब्रोसाइट, गैंग्लियोसाइट, ये सब ग्लाइकोलिपिड का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया सबको ये चीज? और डिराइव लिपिड में देखो, इसमें नाम आता है स्टेरॉल का, स्टेरॉइड का, देखिए इवन जो प्रोस्टाग्लैंडिंस वगैरह होता है, प्रोस्टाग्लैंडिंस, ये सब भी एक तरह का डिराइव लिपिड ही है। इसके अलावा देखो जो भी नाम जानते हैं, मोनोग्लिसराइड होता है, डाइग्लिसराइड होता है, ये सब भी एक डिराइव लिपिड का एग्जाम्पल है। मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, प्रोस्टाग्लैंडिंस, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं आपको स्टेरॉल क्या होता है, स्टेरॉइड क्या होता है, जो आपके एनसीईआरटी में भी बनाया गया है इसके बारे में। तो अब बोर्ड ये साफ करूं मैं, जो लिखा हुआ था लिख लिया सबने इसको। बेटा एमजी का मतलब है मोनोग्लिसराइड, डीजी का मतलब है डाइग्लिसराइड, ठीक है बेटा। चॉकलेट अगर थोड़ा खाएंगे तो अच्छी बात है आपके ब्रेन वगैरह में। चॉकलेट का जो, देखो प्लांट प्रोडक्ट है ना, प्लांट प्रोडक्ट हमारे लिए हार्मफुल नहीं हो सकता, लेकिन अगर चॉकलेट का इंटेक आप ज्यादा करेंगे, जो प्योर चॉकलेट होता है ना, वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक है, बट नॉट इन एक्सेस, दांत खराब हो जाएगा ज्यादा चॉकलेट खाओगे। चॉकलेट बच्चे खाते हैं, अब तुम लोग चॉकलेट खाओगे? चल देखो स्ट्रॉल के बारे में देखो यार, जैसे एक नाम है कोलेस्ट्रॉल, ये क्या है देखिए, जैसे मान लो ये एक स्ट्रक्चर बनाया हमने ऐसा,
देखो ये इस तरह का एक रिंग होता है, देख इस तरह का पूरा ये डायग्राम है, एक कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉल का जो एक रिंग कहते हैं आप देखिए इसमें। और देखो यहाँ पर अगर आप कार्बन काउंट करेंगे तो 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ये एक रिंग होता है, 17 कार्बन रिंग कहते हैं इसको, ठीक है। देखो इसे टोटल 17 कार्बन है इसके अंदर, और 17 कार्बन से देखो ये जो लगा हुआ पार्ट आप देख रहे हो ये एक एल्फेटिक चेन कहा जाता है इसको। अब देखो यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, ओपन चेन होता है ये जिसमें नंबर ऑफ कार्बन वेरी करता रहता है। ये तो रिंग सब में कॉमन मिलेगा, देखो इस तरह का रिंग सब में कॉमन होता है जितने भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और ऑल लगा हुआ है ना, तो आपको थर्ड पोजीशन पे एक अल्कोहल लगा हुआ है, ऑल लगा हुआ है, ऑल तो अल्कोहल ही होगा। तो ये एक कॉमन रिंग है, देखो ये स्ट्रक्चर सब जगह कॉमन होता है। कोलेस्ट्रॉल के जो टाइप्स होते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल के जो टाइप्स होते हैं उसमें जो ये एलिफेटिक चेन का जो नंबर है कार्बन का वो वेरी करेगा, सभी कोलेस्ट्रॉल में ये वाले रिंग कॉमन होते हैं। ये जो एलिफेटिक चेन होता है इसमें लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, ये वेरिएबल होता है, ये रिंग सबने। और देखो एक यहां पे ऐसा भी एक लगा होता है, देखो एक ऐसा डंडा एक यहां लगा होगा, एक यहां लगा होता है, CH3 लगा होता है देखो साइड में, और ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है डायग्राम, ठीक है। और देखो अगर यहां से इसको हटा दो, रिमूवल ऑफ OH, एल्कोहल को अगर हटा दिया जाए यहां से तो यही क्या बनेगा बताओ, ये स्टेरॉइड बन जाता है, अरे OH हटा दिया कोलेस्ट्रॉल वाले पार्ट से तो वो क्या बनेगा बताओ, वो स्टेरॉइड बन जाता है। तो रिमूवल ऑफ OH लिख देते हैं, कहता है अरे रिंग में कितने कार्बन है, रिंग में कितने कार्बन है, वो तो 17 ही है ना, तो फिर दो तो बाहर है रिंग के, तो 19 वाला पार्ट तो फिक्स होगा, 17 कार्बन रिंग में होंगे, दो कार्बन ये पोजीशन भी फिक्स होता है, देखो CH3 यहां भी मिलेगा आपको, एक CH3 यहां भी होता है, ये तो पूरा स्ट्रक्चर फिक्स होता है, ये वाला पार्ट वेरिएबल होता है, ठीक है। समझ में आ गया अब, अरे समझ में आ गया मिस्टर जुबीन, तो मैंने क्या कहा कि रिंग में 17 कार्बन है, CH3 दो होता है वो भी फिक्स होता है, वही सामने मिलेगा आपको, बट केवल जो वेरिएशंस आता है वो एल्फेटिक चेन के नंबर ऑफ कार्बन में होता है। और देखो स्टेरॉइड के एग्जांपल जानते हैं आप, जो हार्मोन है जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है ना, या फिर देखो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है ना, ये सभी स्टेरॉइड के एग्जांपल हैं। देखो
टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजन और एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हॉर्मोन्स होते हैं, ये सभी स्टेरॉइड होते हैं। इसके अलावा देखो बाइल सॉल्ट, आप जानते हैं बाइल सॉल्ट भी स्टेरॉइड का एग्जांपल होता है। या फिर देखो तो ये एग्जांपल याद रखिएगा, प्लांट में भी देखो तरह कोई प्लांट का एग्जांपल है डायजिनिन कहते हैं, डायजिनिन ये प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है, प्लांट से मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट है ये डायजिनिन, एक पर्टिकुलर प्लांट से ये मिलता है डायजिनिन और इस डायजिनिन से बनता है एंटी फर्टिलिटी पिल्स, पिल्स फॉर मेल्स, ये स्पर्म काउंट को कम कर देता है मेल। जो डायजिनिन होता है ना, यम प्लांट होता है, देखो एक प्लांट है यम प्लांट कहता है, इस यम प्लांट से मिलता है ये डायजिनिन, प्लांट प्रोडक्ट है डायजिनिन, यम प्लांट से आता है ये और इससे टेबलेट्स बनते हैं, एंटी फर्टिलिटी पिल्स मेल के लिए बनता है, फीमेल के लिए तो बनता है ये पिल्स, जानते हैं आप। इसकी खासियत क्या है कि ये स्पर्म काउंट को कम कर देता है, समझ में आ गया सबको। हाँ जी बच्चों समझ में आ गया। तो ये था आपका ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ लिपिड, सिंपल कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड लिपिड, एंड दैट्स ऑल अबाउट लिपिड। अब हम आगे पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, और मैंने कहा था ना जैसे ये जो होता है ना एरेकिडियोनिक एसिड जो होता है, एरेकिडियोनिक एसिड, इसी एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिंस का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा इसको। एरेकिडियोनिक एसिड जानते हैं ना, जो मैंने बताया था आपको, इसी से प्रोस्टाग्लैंडिंस का फॉर्मेशन होता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक केमिकल है आपके बॉडी के लिए, डिराइव्ड लिपिड में आता है। हाँ जी, पूफा का एग्जांपल है, मोस्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं स्टार्ट करता हूं न्यूक्लिक एसिड। ये मिटाओ हम यहां से, हमने लिख लिया इसको, जो इसको आप जेनेटिक मटेरियल कहते हैं इसको। और ये डीएनए और आरएनए के फॉर्म में होता है, ये नॉन जेनेटिक होता है इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में केवल डीएनए जेनेटिक होता है, याद रखिएगा। जिस जगह पर डीएनए है ही नहीं, जैसे वायरस वगैरह जानते हैं आप, तो वायरसेस वगैरह में आरएनए जेनेटिक होगा, कुछ वायरसेस में जहां पे डीएनए नहीं होता, बट जहां पे डीएनए है डीएनए जेनेटिक है, आरएनए नॉन जेनेटिक होता है। तो आपके बॉडी में जो आरएनए है वो नॉन जेनेटिक आरएनए है, ठीक है ना। यूकैरियोट्स में केवल डीएनए ही जेनेटिक होता है, इन सम वायरसेस आरएनए एक्ट लाइक एज जेनेटिक मटेरियल, नॉट इन ऑल वायरसेस। कोरोना वायरस में देखो आरएनए का पार्ट होता है, जो एड्स के वायरस है वहां भी आरएनए होता है, उसमें डीएनए होता ही नहीं है। हाँ, जहां भी मैं कह रहा हूं वो एग्जांपल आपको याद होना चाहिए,
जहां भी आरएनए वायरस है वहां पे आरएनए जेनेटिक है, सिंपल, ठीक है ना। अब देखो, और इसके जो कंपोनेंट है, देखिए न्यूक्लिक एसिड का जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट इसमें तीन होते हैं। एक इसमें कहते हैं सुगर होता है, दूसरा बेस होता है और तीसरा फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड ही कहता है। सुगर बेस एंड फॉस्फेट। और ये सुगर देखो, ये एक बीटा पेंटोज सुगर है, आप जानते हैं स्ट्रक्चर इसका। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। अब चूंकि बीटा लिखा हुआ है तो यहां पे अल्कोहल ऊपर आ जाएगा ना, OH और H लिखा जाता है। इसे कहते हैं राइबोज सुगर। ये राइबोज सुगर का डायग्राम है, और ऐसे बना लो, यहां पर आप केवल H और H लगा दीजिए, बाकी सब तो वही रहेगा, बाकी सब वही रहेगा। देखो सेकंड पोजीशन पे आप देखो H H आ गया, इसको डी ऑक्सी राइबोज सुगर कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4 कहा जाता है। तो राइबोज में और डीऑक्सी राइबोज में केवल एक ही डिफरेंस है, नंबर टू पोजीशन पे एच एच आ गया, एक ऑक्सीजन कम हो गया उसमें, वो डीऑक्सी राइबोज बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और देखो ये जो बेस होता है, ये एक प्यूरीन के फॉर्म में मिलता है और पाइरिमिडीन के फॉर्म में आता है, और लिखा हुआ है कि बेस में हेटेरो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है। हेट्रोसाइक्लिक कहने का मतलब देखो यहां पर क्या है, जैसे पैरामिडिक में देखिए आप, एक दो तीन चार पांच छ, इसमें नाइट्रोजन लगा होगा देखो वन पे और थ्री पे, नाइट्रोजन भी है कार्बन भी है, तो पैरामिडिन रिंग के अंदर दो नाइट्रोजन होता है और चार कार्बन होता है, टोटल सिक्स एटम है इसमें, और पोजीशन फिक्स होता है, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा पाइरिमिडीन में। और प्यूरीन देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइट्रोजन वन पे होगा, थर्ड पे होगा, सेवन पे होगा, नाइन पे होगा, तो प्यूरीन में चार नाइट्रोजन होगा प्लस पांच कार्बन होता है। तो ये प्यूरीन रिंग कहते हैं, ये प्यूरीन रिंग है, ये पाइरिमिडीन रिंग है, और प्यूरीन रिंग
के साथ आपने दो नाम सुना होगा, एडेनिन एंड ग्वानिन। देखिए प्यूरीन वाले पार्ट में दो नाम आता, देखो इसमें दो नाम आते हैं, एक एडेनिन होता है और एक ग्वानिन होता है। इसको ए लिखते हैं, इसको जी लिखा जाता है। तो एडेनिन में ग्वानिन में ये स्ट्रक्चर तो कॉमन मिलेगा आपको, अब उसके अटैचमेंट अलग अलग होते हैं। देखो अरे प्यूरीन में काउंट कर लो, चार नाइट्रोजन है, पांच कार्बन है, टोटल नाइन एटम होता है। देखो ना, एक पे, तीन पे, सात पे, नौ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, बाकी पांच पे कार्बन होता है। तो चार नाइट्रोजन, पांच कार्बन, पिरामिडीन में दो नाइट्रोजन और चार कार्बन होता है, और प्यूरीन दो तरह के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पिरामिडीन तीन तरह के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन कहा जाता है, सी सी यू टी होता है ना, सी इसको कहते हैं, यू इसको कहते हैं, टी इसको कहते हैं। तो पिरामिडीन तीन तरह के होते हैं, पिरामिडीन रिंग वाले तीन तरह के स्ट्रक्चर हैं, देखो साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, सी यू टी, और प्यूरीन वाले दो होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन कहते हैं। समझ में आ गया सबको? तो आपको अब एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर नहीं याद करना कि एडेनिन ग्वानिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हाँ, अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है तो आपके 12वीं क्लास के बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में, जो आपके केमिस्ट्री वाले चैप्टर में है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इसको स्ट्रक्चर याद रखने के लिए, बट स्ट्रक्चर अगर देखना चाहते हैं तो किताब में दिया हुआ है, जो आपका बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर है केमिस्ट्री वाले पार्ट में, 12th वाले बुक में, उसमें सबके रिंग्स बने हुए हैं एडेनिन का, ग्वानिन का, बट नो नीड ऑफ रिमेंबर ऑल दीज स्ट्रक्चर। केवल ये रिंग का ये पार्ट याद रखिएगा, प्यूरीन रिंग कैसा होता है और पिरामिडीन रिंग कैसा होता है, और इस रिंग को क्या कहा गया बताओ, हेट्रोसाइक्लिक कहा गया है। क्यों बताओ? हेट्रोसाइक्लिक इसलिए कहा गया रिंग को क्योंकि इसमें दो तरह के एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है, और इसके बेसिस पे इसे क्या कहा गया बताओ, इसे हेट्रोसाइक्लिक कहा गया है, और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया। और फॉस्फोरिक एसिड आप जानते हैं, ये तो ये देखो बी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच और ओ एच, ये है फॉस्फोरिक एसिड। तो मैंने बता दिया कंपोनेंट कि तीन चीजों के मिलने से न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, सुगर, बेस और फॉस्फेट के मिलने से। अब ये कैसे मिलते हैं और कैसे डीएनए का फॉर्मेशन होता है, मैं अब वो बता रहा हूं। ये लिख लिया सबने इसको? देखो तो हम बना रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले बनाएंगे, फिर देखो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में सबसे पहला एक मॉलिक्यूल बनेगा, इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। वो कैसे बनता है वो पता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है बेस और सुगर के अटैचमेंट से, ये पता आपको कि मान लो ये आपका एक पेंटोज सुगर है और यहां पर आप जानते हैं कि हाइड्रोजन लगा के इसके इस पार्ट पे एक बेस लगा दीजिए आप, तब यहां से
H2O बाहर आ जाएगा, वाटर रिलीज होगा, बेस अटैच होगा। याद रखिएगा ये कार्बन वन है, टू है, थ्री है, फोर है और यहां फिफ्थ कार्बन होता है। और इस लिंकेज को याद रखना, इस लिंकेज को NC ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। इसको चूंकि देखो यहां पे नाइट्रोजन होगा, देखो अब नाइट्रोजन मैंने कहा था नाइट्रोजन का जो पार्ट होता है वो वन पे होता है, थ्री पे होता है, सेवन पे होता है, नाइन पे होता है। तो वही नाइट्रोजन यूजुअली वन और नाइन वाला ही इन्वॉल्व होता है, तो वो नाइट्रोजन कार्बन के साथ उसके बीच में से H2O बाहर आएगा। अरे बेस में नाइट्रोजन होता है ना, तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होता है, वन पे होता है, थ्री पे होता है, सेवन पे होता है, नाइन पे होता है। तो N और C के बीच में H2O बाहर आएगा और इस लिंकेज को NC ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। सिंपल है, समझ में आ गया सबको। अब देखो अगर मान लो इफ द बेस इज एडिनिन, अगर मान लिया जाए बेस आपका एडिनिन होगा तो न्यूक्लियोसाइट का नाम जो होता है, देखो तो न्यूक्लियोसाइट को अब क्या कहते हैं, ऐसे न्यूक्लियोसाइट को एडिनोसिन कहा जाता है। अगर आपके बेस के बदले एडिनिन लगा दिया जाए तो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को एडिनोसिन कहा जाता है। न्यूक्लियोसाइट का नाम क्या हो गया, एडिनोसिन। वैसे देखो आप अब कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर, ऐसे आप देखिए जैसे मान लो अब हम ऐसे लिख रहे हैं, देखिए डीएनए के लिए और आरएनए के लिए, अगर बेस आपका यहां पर एडिनिन होगा क्या लिखेंगे, देखो यहां ये लिखो, ये क्या हो गया, ये हो गया एडिनोसिन और इसका नाम यहां पे क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन कह देते हैं, क्योंकि सुगर मॉलिक्यूल उसमें चेंज हो जाएगा। आरएनए में एडिनोसिन होगा और अगर डीएनए होता तो डीऑक्सी एडिनोसिन कह देते हैं। वैसे देखो यहां पर अब अगर यहां पे जी होता तो नाम आपको समझ में आ रहा है, ग्वानोसिन है, डीऑक्सी ग्वानोसिन कहते हैं। अगर यहां पर सी आएगा तो ये याद रखना यहां पर अब हम यूज करेंगे डीऑक्सीसाइटिडीन, और यहां पे साइटिडीन लिखते हैं, साइटिडीन। अगर यहां पे टी होगा आपको पता है कि यहां पर आप उसको डीऑक्सी थाइमिडीन कहते हैं बेसिकली, यहां पर ये होता ही नहीं है। आपको पता है कि आरएनए में टी नहीं होता, और अगर यहां पे मान लो अगर यहां पे लिखा होता सी, देखिए तो यहां पर तो ये होता ही नहीं है, सॉरी यू होता ना यू, तो इसे कहते हैं यूरिडीन। तो देखो हो गया सारा नाम, ये टेबल आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा चीज है, बहुत कोई कॉम्प्लेक्स तो है नहीं। डीऑक्सी कहने का मतलब उसमें डीऑक्सी राइबोस सुगर है, डीऑक्सी ग्वानोसिन, सिंपली ग्वानोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन, साइटिडीन, साइटोसिन तो खुद भी बेस होता है तो साइटिडीन कहते हैं उसको। समझ में आ गया बच्चों, केवल ये बेस चेंज करते जाइए, नाम बदलता जाएगा उसका। ठीक है, तो ये था आपका न्यूक्लियोसाइड। अब मैं बता रहा हूं देखो क्या होता है न्यूक्लियोटाइड,
न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, देखो न्यूक्लियोटाइड, देखिए न्यूक्लियोटाइड देखो न्यूक्लियोटाइड कहता है, और उसमें बेस प्लस शुगर तो था ही, प्लस इसमें आप फॉस्फेट लगा दीजिए, अब मैं बता रहा हूं न्यूक्लियोटाइड के बारे में, जो पहले बताया वो न्यूक्लियोसाइड था, अब हम दूसरा चीज पढ़ रहे हैं और वो न्यूक्लियोटाइड है, जो पहले पढ़ा वो न्यूक्लियोसाइड था, ये सब न्यूक्लियोसाइड है, ये सभी न्यूक्लियोसाइड के एग्जांपल्स हैं, ये सभी न्यूक्लियोसाइड के एग्जांपल हैं, अब मैं बता रहा हूं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो देखो, तो देखिए सिंपल है, बेस लगा हुआ है, सुगर लगा हुआ है, और देखो यहां पर ऐसे यहां क्या था बताओ, यहां लिखते हैं OHCH2, यहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ था, यहां ऐसे देखो पी डबल बॉन्ड ओ OH, OH और OH, यहां से H2O को बाहर निकाल दीजिए आप, तो यहां क्या बचेगा देखो, यहां बचेगा ऐसे देखो, यहां बचाएगा CH2, रिंग तो जैसा था वैसा ही रहेगा, CH2 के बाद यहां क्या बचेगा बताओ, ये बच जाएगा O, पी डबल बॉन्ड O और ये देखो OH और OH, बाकी तो आप स्ट्रक्चर बना ही लेंगे, ये जो लिंकेज आ गया देखो बीच में, इस लिंकेज को फॉस्फो एस्टर लिंकेज कहते हैं, अब ये पूरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है यहां पर देखिए, अब यहां से लेके यहां तक देखो ये पूरा कंपाउंड बनेगा, इसे क्या बोलेंगे बताओ, इसी को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या किया गया बताओ, ये तो समझ में आ गया ना स्ट्रक्चर, अरे बाकी तो आप बना लोगे ना खुद से, देखो ये तो सारा रिंग वही है, फिर आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, यहाँ पे एच नीचे आ जाएगा सर, देखो बाकी आप भर लीजिए यहाँ पर, तो लिंकेज जो बना वो फॉस्फो एस्टर लिंकेज है, और इस पूरे कंपाउंड को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, अब देखो वही कह रहा हूं कि अगर इफ द बेस इज एडिनिन, अगर ये बेस मान लो एडिनिन होता तो पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा, एडिनोसिन तो पहले बना हुआ था, एक फॉस्फेट लग गया देखो यहां पर, इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट इसी को आप एएमपी कहते हैं, एएमपी इसी को एडी नाइलिक एसिड कहा जाता है, और इसी को एडी नाइलेट भी कहते हैं, एडी नाइलेट भी कहा जाता है, अब जैसे आपने यहां टेबल बनाया था, अब टेबल बना लो देखो, ये नाम यहां से मिटा देते हैं और हम न्यूक्लियोटाइड का नाम लिखते देंगे, इस टेबल में अब हम क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोटाइड का नाम, आप टेबल अलग से बना लीजिए, जैसे अगर यहां पर ए है तो ये एएमपी है, यहां पे डीएएमपी हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड में, सिंपल है, वैसे देखो यहां पे जीएमपी हो जाएगा, ये डीजीएमपी कहते हैं, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट गुआनाइलिक एसिड,
गुआनाइलेट एक ही चीज है। यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा सीएमपी, यहां हो जाएगा डीसीएमपी, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। साइटोसिन मोनोफॉस्फेट नहीं होता है, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। यहां पर टी है तो जानते हैं कि डीएनए में ये डीटीएमपी हो जाएगा, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। यहां पर ये तो होता ही नहीं, यू होगा तो यहां पे ये नहीं होता, ये हो गया यूएमपी, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। अभी वो बाद में बताऊंगा, पहले इसको लिख लो एटीपी कैसे बनेगा वो देखेंगे बाद में, पहले इस टेबल को लिखिए आप पहले। अरे डी मतलब डीऑक्सी, यस डीऑक्सी, डीऑक्सी डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है बच्चों समझ में आ गया। और देखो अब यहां पर देखिए, अगर आप इस कंपाउंड में मान लो यहां देखिए, देखो जैसे ये स्ट्रक्चर है, यहां पे आपने लगा दिया एडिनिन, हाइड्रोजन है, एच है, OH है, एच है, OH है, ये एच है, और देखो ये सी एच टू है, यहां पे ओ है, पी डबल बॉन्ड ओ है, OH है, OH है। अब करना क्या देखिए आपको यहां पर, अगर मान लो यहां पे फिर मैं दूसरा लिखा हूं, देखो पी डबल बॉन्ड ओ OH, OH और OH, तो एक एच टू यहां से भी बाहर निकलेगा, देखो ये वाला देखो, तो ये बन गया एडीपी। एक और लगा दो देखो, यहां पर पी डबल बॉन्ड ओ OH OH और OH, एक एच टू और निकाल दो यहां से, देखो ऐसे। तो यहां तक ये क्या था, ये था एएमपी, दो आ गया तो ये हो गया एडीपी, और यहां से पूरा आ गया ये क्या हो गया एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया। देखो देखिए स्ट्रक्चर देखिए, समझ में आ गया ना, तो एक एस टू यहां से निकलेगा, एक एस टू यहां से निकलेगा, और एक एस टू यहां से निकला था, तो ऐसे लिखते हैं, देखो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, यहां पर ए होता है, यहां पे एच होता है, यहां पे सी एच टू, ऐसे लिखते हैं ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ पी ओ पी, अरे सिंपल है, यहां तक ये सिंगल फॉस्फेट था तो एएमपी था ये, अब दो फॉस्फेट और लगा दिया, देखो एक एस टू यहां से निकलेगा, एक एस टू यहां से निकलेगा, और इस लिंकेज को पाइरुवेट लिंकेज कहते हैं, एनर्जी रिच होता है, इसको पाइरुवेट लिंकेज कहा जाता है, एनर्जी रिच लिंकेज होता है ये वाला भी, ये वाला भी, और इसी एनर्जी रिच लिंकेज से जब ये ब्रेक करता है तो आपको एनर्जी मिलता है। तो आपने पढ़ा है ना ये चीज, एटीपी का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो पहले क्या बनता है, पहले बनता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पीआई कहते हैं, प्लस एनर्जी होता है, फिर एडीपी से भी आप एनर्जी निकाल लेंगे तो एएमपी बन जाएगा, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी होता है, और ये जो एनर्जी है ये लगभग मिलाकर 16 किलो कैलोरी के बराबर होता है। जैसे एटीपी बन गया ना, अब एक फॉस्फेट निकल गया यहां से, देखो ये वाला फॉस्फेट, तो एनर्जी मिलेगा आपको, अब एडीपी बन जाएगा, वो एडीपी से फिर एनर्जी निकलेगा, देखो एएमपी बन जाएगा वो,
तो दोनों का एनर्जी का अमाउंट 16 किलो कैलोरी के बराबर होगा। समझ में आ गया सबको ये चीज? हाँ भाई समझ में आ गया सबको? एडीपी से एटीपी बनाते हैं, बिल्कुल बनता है, उसमें फॉस्फेट ऐड होगा ना, देखो। और एएमपी से फॉस्फेट नहीं निकलता, एएमपी से फॉस्फेट नहीं निकलेगा, एएमपी में जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो टूटता नहीं है, तो एएमपी से एपी नहीं बनेगा। हम केवल दो फॉस्फेट निकाल सकते हैं साइड वाले जो होते हैं, तो एटीपी से एडीपी बनता है, एडीपी से फिर एएमपी बनता है, और अगर एडीपी में वापस फॉस्फेट लगा दिया हमने तो एटीपी बन जाएगा वो। तो फॉस्फेट के निकलने से एडीपी बनता है और फॉस्फेट के जुड़ने से वो एटीपी बन जाएगा। हाँ भाई समझ में आ गया सबको? क्लियर है सबको ये चीज? तो मैं अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि फिर एटीपी वगैरह, फिर इसका आगे की कहानी क्या है, अभी खत्म नहीं हुआ ये, अभी तो बहुत कुछ बताना है इसमें। एटीपी से एक जब फॉस्फेट निकल जाएगा तो एडीपी बनेगा, और एक फॉस्फेट जब जुड़ जाएगा एडीपी में तो फिर से वापस एटीपी बन जाएगा। अरे इसमें क्या दिक्कत है? एटीपी से एडीपी बनता है फॉस्फेट निकलने के बाद, और एडीपी में अगर मैंने फॉस्फेट जोड़ दिया प्लस फॉस्फेट जोड़ दिया तो वापस एडीपी बन जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? अरे एक फॉस्फेट निकाल दो तो डाई बन जाएगा वो। एएमपी से देखो ऑब्वियसली बात है, एएमपी तो न्यूक्लियोटाइड है ना, एएमपी तो न्यूक्लियोटाइड होता है, उस न्यूक्लियोटाइड में दो फॉस्फेट आप जोड़ दीजिए और तो आपका एटीपी बन जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ गया?